हाय एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे आप लोग? उम्मीद दोस्तों आप बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम दोस्तों सॉल्व करेंगे अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या की एमएड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए थे 2023 में, उसके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर ये जो दिखाई दे रहा है ये अवध यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन पेपर है और यही आपका क्वेश्चन पेपर आया था। क्वेश्चन पेपर का सेट ए है। तो एक बार हम इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। ऑल दो आई हैव इन्फॉर्म यू ऑल द इंस्ट्रक्शंस कि इसमें 200 नंबर के सवाल होते हैं और सभी एक एक अंक के होते हैं। एमसीक्यू टाइप्स होता है, चार ऑप्शन रहेंगे, एक सही रहेगा, आपको गोला भरना पड़ेगा। कोई ऋणात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और दोस्तों काले नीले बाल पॉइंट से आपको गोला भरना पड़ता है। ये बहुत ही बेसिक सा जनरल इंस्ट्रक्शंस है जो कि आपके फर्स्ट पेज पर दिया रहेगा। अवध यूनिवर्सिटी एम एट इंट्रेंस एग्जाम्स 2023 की बात की जाएगी। ठीक है, तो चलिए वन बाई वन क्वेश्चन देखेंगे। 200 सवाल होते हैं, उन 200 में मैंने प्रीवियस ईयर में पिछले वीडियोज़ में मैंने सिलेबस भी बताया था। तो 200 में से हम आज 100 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। 100 क्वेश्चंस कौन कौन से टॉपिक से होंगे? वो 100 क्वेश्चंस होंगे आपके जो टीचिंग एप्टीट्यूड था वो था, और जीएस और आपका करंट अफेयर से, ये सब मिला के 70 क्वेश्चंस, और 10 रीजनिंग के सवाल होंगे और 10 आपका फिलॉसफी से सवाल होगा। मतलब टोटल आपको 100 क्वेश्चंस हम इसमें देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और ये रहा आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, आज आप हॉट सीट पे बैठे हो और मैं आपको केबीसी करा रहा हूँ। तो पहला सवाल आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य की, भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। आप देखोगे जैसे कि मान लीजिए समुद्र किनारे कौन कौन से राज्य हैं, उसमें जो समुद्र से सबसे ज़्यादा कौन से तट रेखाएं बनाती हैं, जैसे मान लो गुजरात भी, महाराष्ट्र भी, केरल भी, तमिलनाडु, ये सभी समुद्र के किनारे के बसे राज्य हैं। सबसे लंबी रेखा किसकी है? तो टॉप पे दोस्तों भारत में गुजरात होती है। ये एक नंबर पर मैंने तो आंसर ही बता दिया, मुझे तो आपसे पूछना था, आप सब तो बता ही दोगे, ये तो आसान सवाल था, आप बता दोगे। चलो गुजरात। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे तो उन्होंने एक नई स्कीम लाई थी, फसल बीमा योजना। ठीक है, फसल बीमा योजना। तो पूछा जा रहा है कि ये इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो आइए देखते हैं। 14, 16, 15 या 17 इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, ये आपका आंसर देना है। चलिए आप आंसर देंगे, अगर आप आंसर दे रहे हैं 2016 तो कंग्रेचुलेशंस, इट्स अ रियली राइट आंसर और ये सही जवाब है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निकले में तो कौन सी समुद्री गर्म धारा, गर्म समुद्री धारा है? सो इस सवाल का, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियंस करेंट इज अ वार्म ओशियंस करेंट, ब्राज़ील धारा, कनारी धारा, लैब्राडोर धारा और बेगुआला धारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील धारा, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, अच्छा मैं एक चीज़ बता दूँ, जो मैं आंसर बता रहा हूँ, इस यूनिवर्सिटी ने, अवध यूनिवर्सिटी ने जब अपना ये प्रीवियस क्वेश्चन अपलोड किया था तो उसके साथ ही साथ आंसर की भी डाला था, तो मैं इसको सॉल्व करने के बाद आंसर की से मैच करा के आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल और अच्छा सवाल है। रजमनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? रजमनामा इज द फारसियन ट्रांसलेशन ऑफ विच हिंदू टेक्स्ट बुक? और ये भी बता दो किस राजा ने कराई थी, राजा ने कराई थी और तो किसने कराई थी? मैं आपको बता दूँ, अकबर ने कराई थी। महाभारत, रामायण, महाभाष्य, अष्टाध्यामी, किस हिंदू ग्रंथ की फारसी अनुवाद रजमनामा कहा जाता है? सो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? महाभारत। ओहो, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है? हु इज द चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल? राष्ट्रपति कितना काम दोगे, आ देंगे आप उनको, बख्श दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी तो उनके भी अंडर नहीं है, नीति आयोग या फिर केंद्रीय वित्त मंत्री? तो जीएसटी किसके कंट्रोल में रहता है, ये आसान सा सवाल आपने सबने बता दिया होगा, फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। इंग्लिश मीडियम, आर यू कम्फर्टेबल? बिकॉज समटाइम इंग्लिश मीडियम डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, सो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क यू, आर यू कम्फर्टेबल इन हिंदी, शुड आई गो फॉर द इंग्लिश ऑल्सो? वाह क्या इंग्लिश बोलता। हाँ चलिए, भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल के तहत उत्तर प्रदेश में दोस्तों एडवोकेट जनरल की अपॉइंटमेंट होती है? किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? 163, 164, 165 और 168, किस आर्टिकल के तहत उत्तर प्रदेश में एडवोकेट जनरल की अपॉइंटमेंट होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 165, करेक्ट आंसर, यू आर गुड। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला सवाल है हमारा। हाँ अगला सवाल क्या है भाई, हाँ अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक संस्था नहीं है? संवैधानिक संस्था कौन सी नहीं है? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग या नीति आयोग?
ये जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा होगा उसको मोस्टली ये पता होगा। हालांकि इस क्वेश्चन से पहले मुझे भी ध्यान नहीं था, लेकिन हाँ मैं फिर भी कहता हूँ कि निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, तो ये डेफिनेटली एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होती है, तो नीति आयोग इसका सही जवाब हो जाएगा, करेक्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं, द ट्रांजिशन जोन बिटवीन द टू इकोसिस्टम इज नोन एज बायोम, इकोटोन, बायोटॉप, या उपयुक्त में से कोई नहीं, बायोम, इकोटोन, बायोटॉप एंड नन ऑफ द एवव। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इकोटोन, यानी कि इकोटोन इसका सही जवाब। दिस इज द जोन, ट्रांजिशन जोन बिटवीन द टू इकोसिस्टम ऑफ इज नोन एज द इकोटोन। चलिए हाँ, ये एक बढ़िया सवाल आ गया फिर से। चलिए अगला सवाल है कि भारत में स्मार्ट सिटी की शुरुआत कब हुई थी। आप शायद आप किसी स्मार्ट सिटी से रहते होंगे, भारत में स्मार्ट सिटी की शुरुआत कब हुई थी। 13 में तो मोदी जी आए नहीं थे, 14 में तो तुरंत आए थे, और जैसे ही आए थे उन्होंने शुरू किया था, तो 2015 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, मानव शरीर का तापक्रम, बॉडी टेम्परेचर जो है आपका, द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ठंडियों में घट जाता है, डिक्रीज इन विंटर, गर्मियों में बढ़ जाता है, इंक्रीज इन समर, या फिर जाड़ों में बढ़ जाता है, या ठंडियों में बढ़ जाता है, या फिर ना बढ़ता है ना घटता है। तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, कि जो बॉडी टेम्परेचर होता है ठंडी हो या गर्मी हो, बढ़ता घटता नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाँ, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है, इन विच स्टेट द नेलांग वैली इज लोकेटेड, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या लद्दाख। सो इन विच सिटी द नेलांग, यानी कि नेलांग घाटी स्थित है। सो योर आंसर विल बी यस, यू आर राइट, यूके राइडर 07, उत्तराखंड। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत की नवीनतम है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इज द न्यू, इज द लेटेस्ट वन, कौन सी नई है दोस्तों, सो विच वन इज द लेटेस्ट वन। सो द आंसर विल बी क्या होगा, अरावली, कडोप्पा, धारावाड़ या गोंडावान। सो द आंसर विल बी आंसर नंबर 4, डी, ऑप्शन डी, दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रही बात, देखिए ये जीएस का पोर्शन है, ठीक है। इसके बाद जब आपके 50 सवाल मिलेंगे ना, वो कहोगे वाह यार क्या आसान है। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया, कि जो जीएस और करंट अफेयर पूछता है वो ठीक ठाक लेवल का पूछता है, तो इतना घबराना नहीं कि अरे ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए 200 सवाल में आपको ज़्यादा नहीं करना है, 200 में 200 नहीं लाना है, 150, आप 120-125 लाइए, आपको टॉप के कॉलेजेस मिलेंगे। तो जो जीएस और करंट अफेयर पूछता है उसमें सबको थोड़ी समस्या होती है, तो आप घबराइएगा मत कि लेवल टफ है, नहीं इट्स फाइन, मतलब ठीक है लेवल है, और सबके लिए समस्या होती है। तो क्योंकि आप एमएड के दे रहे हैं ना, आप तो कोई यूपीएससी का पेपर तो दे नहीं रहे, या यूपीपीसीएस तो दे नहीं रहे, या फिर आरओएआरओ तो दे, आप एमएड एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो उस हिसाब से लेवल डेफिनेटली टफ लगता है, बट इतना घबराने की बात नहीं है, सबके लिए सेम लेवल है। इसके बाद सारे जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको बहुत ही कंपैरेटिवली ईजी दिखेंगे। चलिए, मिर्च की तीक्ष्णता था, यानी कि पनगेंसी इज द चिलीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, मिर्ची तीखा लगता है ना, किसके प्रेजेंस में लगता है, लाइकोपीन, कैप्सिन, कैरोटीन या फिर एंथोलेसिनिन। कैप्सिकम का नाम सुना आपने, कैप्सिकम का, सो द करेक्ट आंसर होगा कैप्सिन, ठीक है। चलिए, मैं ये पीडीएफ भेज दूंगा, आप भी इसको सॉल्व करते रहना। हाँ, राज्यसभा का सर्वप्रथम, द फर्स्ट टाइम जो गठन हुआ था ना राज्यसभा का, वो कब हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके अध्यक्ष मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अच्छा, मैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में पढ़ रहा था, तो चूंकि आप एमएड के बच्चे हैं तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। पहली जो होती, जो पहली आज़ादी के बाद से जो पहली एजुकेशन कमेटी बनाई गई थी, वो राधाकृष्णन आयोग बनाई गई थी, राधाकृष्णन आयोग, ये पहली ये कमेटी बनाई गई थी, इसके अध्यक्ष सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। जो पहले उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो पहली राज्यसभा के गठन में अध्यक्ष थे, चेयरपर्सन थे, वो भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और ये कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1952 में। जब मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था तो मुझे अच्छी जानकारी मिली, और मैं एक वीडियो पे काम कर रहा हूँ कि आज़ादी के बाद से जितने भी एजुकेशनल कमेटीज़ बनी हैं, जितने भी शैक्षिक संस्थाएं, आयोग बना है, जितने भी एनईपीज़ आए हैं, उसके बारे में मैं वीडियोस में तैयारी कर रहा हूँ, डेफिनेटली बनाऊँगा, तो उस समय मुझे ये जानकारी मिली थी। तो राज्यसभा की पहली जो गठन हुई थी कब हुई थी, 1952 में हुई थी। उसके चेयरपर्सन कौन थे भाई, चेयरपर्सन थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति हैं और पहले उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। चलिए हाँ, अब ये सवाल तो आपको बताना पड़ेगा। देखिए ये है भाई, क्या लिखा है, हाँ, सतसहसी संहिता उपनाम किस ग्रंथ का है, किस ग्रंथ को इस नाम से भी जाना जाता है।
वेद व्यास जी इसके लेखक हैं आप डेफिनेटली बता सकते हैं, ऋग्वेद, यथर्थवेद, रामायण या महाभारत। फिर से एक बार आपका सही जवाब आना चाहिए, महाभारत। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एक्सप्रेस, पूर्वांचल एक्सप्रेस यू नो जैसे लखनऊ और ये इधर पूर्वांचल एक्सप्रेस काफ़ी फेमस भी रहा, अमेठी, अयोध्या, बस्ती, सुल्तानपुर। अमेठी, अयोध्या, बस्ती, बस्ती तो गोरखपुर के पास चला जाता है ना, पूर्वांचल एक्सप्रेस वास्तव में वहाँ से नहीं गुजरती। तो यही पूछ रहा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे इन द उत्तर प्रदेश विल नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, किस जिले से नहीं गुजरता, तो वो है दोस्तों बस्ती। चलिए, हाँ जी, बस्ती, बस्ती मतलब मैं गांव जाता हूँ तो बस्ती से होकर जाता हूँ, बस्ती और वो गोरखपुर की तरफ, बस्ती और क्या था उधर, बहुत सारे जगह के नाम हैं भारत। हाँ, ये सवाल तो आपको बता सकते हैं, 30 टोटल जीएस और जीके के 30 सवाल हैं, ठीक है। भारतीय साग भाजी अनुसंधान स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च लोकेटेड वेयर, बनारस, अलाहाबाद, लखनऊ या कानपुर। तो ये वेजिटेबल रिसर्च कहाँ लोकेटेड है, कितने लोग आप कह रहे हैं कि बनारस है, जितने भी लोग कह रहे हैं हर हर महादेव सही जवाब है। चलो ठीक है। हाँ, भारत का आर्थिक क्षेत्र तट रेखा कितनी दूर तक फैला हुआ है, द इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया फ्रॉम द कोस्टल लाइन एक्सटेंड्स अप टू द डिस्टेंस ऑफ, कितनी दूर तक फैला हुआ है, ये आंसर बताइए। 112 समुद्री मील, 120 समुद्री मील, 200 समुद्री मील, 320 समुद्री मील। अगर यहाँ पे 300 समुद्री मील की जगह पे किलोमीटर रहता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन ये नहीं है। सो इसमें करेक्ट आंसर क्या है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, समुद्री मील। ओके, चलिए, देखो इतना लेवल का तो क्वेश्चंस कोई प्रिपेयर नहीं कर सकता है एमएड में, तो आप इस सब में टेंशन मत लीजिएगा, जो इसके बाद का पार्ट आएगा ना वो बहुत ईजी रहेगा, आप वहाँ देखोगे कभी वाह क्या क्वेश्चन आया है। बस अब इसमें ज़्यादा सवाल रह भी नहीं गए हैं, मुश्किल से 10 सवाल और जीएस जीके के हैं जो कि आपके लिए आसान भी होंगे। चलिए, गुप्त काल का प्रसिद्ध दासावतार मंदिर कहाँ है, ये तो वो बता सकते हैं, ठीक है, ललितपुर में, नागौर में, जबलपुर में, कानपुर में। ललितपुर, नागौर, जबलपुर, कानपुर। सो कितने लोग आपको लगता है कि यह नागौर में स्थित है, कितने लोग को लगता है, देखिए जितने लोग को लगता है आई एम सॉरी टू से नागौर में स्थित नहीं है, ये ललितपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, ललितपुर में स्थित है। बहुत अच्छा, चलिए, जापान में मिनामता आपदा किस प्रदूषण के कारण हुआ था, द मिनामता डिजास्टर इन जापान वॉज कॉज बाई द पॉपुलेशन ड्यू टू वॉट, कैडमियम, सीसा मतलब लीड, जिंक या फिर पारा मरकरी। सो द करेक्ट आंसर इज, आप में से कितने लोगों को लगता है कि द करेक्ट आंसर इज मरकरी यानी कि पारा, जितने लोगों की लगता है 7 करोड़ मुबारक हो, जीत चुके हैं आप, सही जवाब है आपका। चलिए, G7 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में हुआ था, 2022 में किस देश में हुआ था। एक चीज़ याद रखिएगा, पेपर 2023 में हुआ है तो 2022 का पूछा है, इसलिए अगर आप 24 में देने चाहते हैं तो आप G20 के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, G20 तो आपको पता ही है, और ये देख लीजिएगा कि G7 24 में कहाँ होने वाला है, G7 24 में कहाँ होने वाला है, ठीक है। तो इसका आंसर बता दीजिए पहले, कितने लोग बता सकते हैं, ये तो बहुत लोग कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं, कमेंट में आप ये क्वेश्चन नंबर डालो 21 और आंसर बता दो, ठीक है। चलिए, हाँ, USA में हुआ था, कनाडा में हुआ था, इटली में हुआ था, जर्मनी में हुआ था। तो जो 2022 की बात करें दोस्तों, 2022 का जर्मनी में हुआ था, और 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 का जापान में हुआ था, और हम 2024 की बात करें 2024 का इटली में होने वाला है, होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, और इस दिन के लिए मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहा हूँ, मतलब लगभग 2-3 महीने से मैं योगा शुरू कर चुका हूँ, और आई एम फीलिंग सो इम्प्रूवमेंट, मतलब थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है बॉडी में। तारीफ नहीं, मतलब सच में मुझे अच्छा लगता है अभी तो, वैसे बॉडी वैसे कंधे वंधे का शोल्डर वोल्डर का करता हूँ मैं, ठीक है। मेरी जिम वाली बॉडी अगर आपको लगती है तो कन्फ्यूज़ मत होना, मैं जिम नहीं जाता हूँ, मैं योगा ही करता हूँ। सो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 20 जून, 21 जून, 22 जून या 23 जून है। सो कब है भैया, कब है? यस, एग्जैक्टली 21 जून। प्रधानमंत्री सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया था, कहाँ पे किया था इन्होंने, नई दिल्ली, लखनऊ, बेंगलुरु या सूरत में किया था। तो कितने लोगों को लगता है कि सूरत, गुजरात से वो आते हैं इसलिए उन्होंने गुजरात में किया था, तो जितने लोगों को लगता है गलत लगता है, सही आंसर बताइए क्या होगा। तो सही आंसर, द करेक्ट आंसर इज कि प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 एट बेंगलुरु, द करेक्ट आंसर इज द बेंगलुरु। ओके, दैट्स अ गुड थिंग। सो
चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स टॉक अबाउट। अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है? अब इतना वर्ल्ड करंट अफेयर की मुझे तो ज़रूरत नहीं लगती, बट आपकी यूनिवर्सिटी ने पूछा है, मे बी यू आर अवेयर विथ, कि पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है सामिया शुरू हसन, सहले वर्क जैवड़े, एलन जॉनसन महिला है पुरुष है, आई डोंट नो, उपरोक्त, आई मीन आई कांट डू दिस, लाइक वो मे बी कुछ रिस्पेक्टेड पोजिशन पे हो, बट आई अपोलोजाइज फॉर दैट, एलन जॉनसन, ओके, सामिया सुलू हसन इज द करेक्ट आंसर। मतलब हम किसी की मजाक नहीं उड़ा सकते, सर, वी आर नॉट सपोज टू मेक फन ऑफ एनीबडी, राइट, स्पेशली ऑन दिस पोजिशन, सो आई रिग्रेट, है ना, मतलब मुझे रियलाइज हुआ, ऐसे मस्ती मजाक अलग बात है, बट हाँ। निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत के वो विद्यार्थी जो यूक्रेन में फंसे गए थे उनको भारत वापस लाया गया था? द मेडिकल स्टूडेंट ऑफ इंडिया वी ब्रॉड टू इंडिया फ्रॉम यूक्रेन बाय द इंडियन गवर्नमेंट बाय विच ऑपरेशंस? तो ये तो पक्का पता होगा आपको, ऑपरेशन क्या? गलत जवाब बाबू, ऑपरेशन गंगा के तहत उनको वापस बुलाया गया था, करेक्ट आंसर। हाँ जी, सो निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता था? ये बड़ा अच्छा सवाल है और इसको जवाब बताने के लिए मुझे 50 रुपये इनाम भी देना पड़ा था। तो द करेक्ट आंसर पीवी सिंधु, ज्वाला गुट्टा, साइना नेहवाल या अश्वनी पोपन्ना। सो हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ वन द वुमेन्स सिंगल टाइटल इन द सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट हेल्ड इन जनवरी 2022? द करेक्ट आंसर इज पीवी सिंधु, दैट्स द करेक्ट आंसर। हाँ जी, विश्व खुशहाल दिवस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में इसकी बड़ी चर्चा हुई थी, यूट्यूब पे न्यूज़ में बड़ी चर्चा हुई थी, भारत का कौन सा रैंक था? सो 130, 10, 140 या 136, मतलब 136। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? विश्व खुशहाल सूचांक, और शायद इस सूचांक में हम बांग्लादेश और पाकिस्तान से नीचे दिखाए गए थे। सो द करेक्ट आंसर इज 136। चलिए, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है वो ये जीएस और जीके का, इसके बाद आपका तो रीजनिंग देखोगे तो कहोगे क्या आसान सा रीजनिंग है। मार्च 2022 में यूटो रिको आयोजित मिस वर्ल्ड कौन थी? भैया कौन थी, जरा ये देखते हैं, विजेता कौन थी? विच वॉज हेल्ड इन 2022, ओके, हु एमंग द फॉलोइंग वॉज द विनर ऑफ मिस वर्ल्ड 2021? तो टोनी एन सिंह, करोलिन विलवास्का, श्री सैनी या ओलिविया यासे? सो द करेक्ट आंसर इज आप भी किसी मिस वर्ल्ड से कम थोड़ी हैं, बट यहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा, ओके, चलिए ठीक है, क्या करेंगी आप, आपका नाम ही नहीं है, आपको बस यही लिखना पड़ेगा। हाँ जी, 30 जून 2022 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए रॉकेट का नाम था? 30 जून 2022 को इसरो ने जो रॉकेट लॉन्च किया था उसका नाम क्या था? PSLV C-15। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारा चंद्रयान गया था उसके बारे में आप देख लीजिएगा उसका नाम क्या था, कहीं इस बार पूछा भी जा सकता है। सो द करेक्ट आंसर इज दिस वन, सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो तीसवा सवाल है हमारा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस व्हेन इज सेलिब्रेटेड नेशनल स्टैटिक्स डे, कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 दिसंबर को, 21 मई को, 12 मार्च को या 29 जून को? तो कब सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों, ये सेलिब्रेट किया जाता है? आपका सही आंसर, आपका अगर सही आंसर 29 जून है तो बिल्कुल सही जवाब, ये आपका सही है। अब हमारा यहाँ पे दोस्तों शुरू होता है रीजनिंग का पार्ट, बहुत ही आसान और सही सवाल पूछे जाते हैं, रीजनिंग का पार्ट यहाँ पे शुरू होता है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि इसमें से अलग कौन सा है, तो इसको ज़रा मज़ा आएगा सॉल्व करने में। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो अब ABCD आप करेंगे तो बी सेकेंड नंबर पे आता है, ठीक है, पहले यहाँ देखिए बी के बाद सी गैप है, फिर डी है, सिमिलरली एफ के बाद जी गैप है, एच है, जे के बाद के गैप है, एल है, एन के बाद ओ गैप है, पी है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे ज़रा आपको समझना पड़ेगा कि इसमें लॉजिक क्या लगा है। बी सेकेंड नंबर पे आता है ए बी पढ़ेंगे तो, और डी फोर्थ नंबर पे आता है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 6 यहाँ पे रहेगा, ठीक है। सिमिलर अगर एफ और एच की बात करें तो ABCDEF 6 नंबर पे आएगा और ये आएगा आपका 8वें नंबर पे, तो ये हो जाएगा 14, यानी कि ये भी 14 नंबर सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जे की बात करें ABCDEF G H I J 10वें नंबर पे आता है और एल 12वें नंबर पे आता है, तो ये 22, यहाँ तक तो लॉजिक सही लग रहा है, इसका मतलब ऑप्शन आपका डी होना चाहिए। कैसे, अगर हम एन की बात करें
तो अगर जे 10वें नंबर पे आता है तो जे के एल एम एन, यानी कि जो एन होगा वो 40th नंबर पे होगा, 14 नंबर पे, और जो पी होगा वो 16वें नंबर पे होगा, यानी कि यहाँ पे 30 होना चाहिए और यहाँ पे 31 दिया है, तो उस करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। ठीक है, इस तरीके का लॉजिकल रीजनिंग आपसे पूछा जाता है, इट्स नॉट अ बिग डील। अब आइए, अन्य संख्याओं से भिन्न संख्या यहाँ पे हमें बतानी है, अन्य संख्याओं से भिन्न संख्या 27, 64, 125 और 144। अच्छा आइए बात कर लेते हैं। अच्छा 27 की अगर आप बात करेंगे, 3 का स्क्वायर क्यूब करेंगे तो 3 3 9 3 27। सिमिलरली अगर आप 64 की बात करें तो 4 का क्यूब करेंगे, 4 4 16 और 16 4 64, तो ये हो जाएगा। ठीक है, 125 की बात करें, 5 का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आ जाएगा, जबकि ये हमारा क्या है, परफेक्ट एक स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये वाला आंसर सही हो जाएगा। चलिए, हाँ यहाँ पर देखिए, एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 9 गुनी है। एक पिता की उम्र, इंग्लिश मीडियम, सॉरी आई फॉरगॉट दैट यू आर ऑल्सो हियर, अ फादर इज अ 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन एंड द मदर इज 8 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। मतलब एक बच्चा है, मान लेते वो बच्चा एक्स है, तो इसके पापा जो है ना वो इससे 9 साल बड़े नहीं, उसकी उम्र 9 गुना है, तो इसके पापा की जो उम्र होगी वो 9x हो जाएगी, इसके माता जी की जो एक्स होगी उम्र होगी वो 8x हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। पिता और माता की उम्र का योगफल 51 है, अच्छा इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो 51 आएगा, तो 8 और 9 17, 17x = 51, यानी कि x = 3। एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की, मेरे एक्स की तो कोई वैल्यू नहीं क्योंकि मेरी तो कोई एक्स ही नहीं है, तो एक्स की वैल्यू 3 आ गई, तो पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी भाई, 3 हो जाएगी, पुत्र की उम्र कितनी 3 हो जाएगी। ठीक है, आपके एक्स की वैल्यू क्या है, जोक्स अपार्ट। चलिए, सर्वथा भिन्न बताना है दोस्तों, ग्राम लीटर टन और क्विंटल। तो यहाँ पे तो इजी सवाल सा आपको लगेगा कि ये भी वेट 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 और ये लिक्विड प्रोडक्ट मेजरमेंट होता है, तो यहाँ पे ये और हो जाएगा। इसमें बता रहे हैं कि टमाटर प्याज भिंडी और मिर्च, अब यहाँ पे दो लॉजिक लगा सकते हैं, टमाटर, अच्छा चलिए थोड़ा सा आप भी लॉजिक लगा लीजिए, टमाटर भिंडी और मिर्च, यहाँ पे देख लें लेवल थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा है, मतलब इजिली कर लेंगे, 10 के 10 आराम से कर सकते हैं। टमाटर भिंडी और मिर्च, ये जो तीनों फसलें और तीनों सब्जियां हैं वो ज़मीन के ऊपर होती हैं, और इन तीनों में सीड्स यानी कि बीज पाए जाते हैं, जबकि प्याज क्या है भाई, अलग है, तो ये ज़मीन के नीचे पाया जाता है। वेरी गुड। प्रोफेशनल शब्दों के अक्षरों में से निम्नलिखित कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, नॉर्मल, एम इसमें है क्या, एम तो है ही नहीं, तो ये वाला नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, गॉट इट। चलिए, हाँ अब कह रहे हैं कि सूर्य उदय के बाद सुबह मोहन और सोहन एक लॉन में एक दूसरे की ओर पीट करके खड़े थे। ठीक है, ऑन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज मोहन और सोहन एक दूसरे की तरफ पीट करके खड़े थे, मोहन की छाया उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही थी। अच्छा, जैसे मान लीजिए आप मैप बनाएंगे तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो अगर इधर से सूरज निकलता है तो मोहन किधर खड़ा रहे, तो देखो छाया तो इधर बनेगा। ठीक है, छाया इधर बनेगा, तो कह रहा है कि मोहन की छाया उसके ठीक बाईं ओर, बाईं साइड, मतलब ये इस मोहन का जो चेहरा होगा वो इधर इधर की तरफ होगा, नॉर्थ की तरफ होगा, तभी तो उसकी छाया इसके अपोजिट होगी। तो सोहन का मुंह पूछ रहा है कि सोहन का फेस को होगा, दोनों एक तरफ से पीट करके खड़े हैं, तो मोहन अगर नॉर्थ की तरफ फेस किया है तो सोहन साउथ की तरफ, यानी कि साउथ की तरफ उसका फेस होगा। ठीक है, आई नो आई कैन अंडरस्टैंड। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अलग है उसको बताना है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। हाँ जी, RTV, अच्छा RTV, ओके, RST, R के बाद S गैप है, T U गैप है, V, K के बाद KLM, KL, L गैप है, M, N गैप है, O, ठीक है, RST के बाद U गैप है, V गैप है, W, बहुत ज़्यादा गैप दे दिया, तो ये वाला सही आंसर है। ठीक है, चलिए, कह रहे हैं कि अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स में कितने ऐसे लेटर हैं जिनको आप मिरर के सामने करेंगे तो उसका सेम मिरर बनेगा, इमेज सेम बनेगा, उनका प्रतिबिंब समान होता है। ठीक है, तो देखिए ए, अगर आप ए को मिरर में दिखाएंगे तो ए जैसा ही दिखेगा, सी डी डी ई एफ जी एच, एच को भी दिखाएंगे तो वैसा ही दिखेगा, आई के एल एम, एम को भी दिखाएंगे तो वैसा ही दिखेगा, एन, ओ को भी दिखाएंगे तो वैसा ही दिखेगा, क्यू को भी दिखाएंगे तो वैसा ही दिखेगा, आर एस, टी को भी दिखाएंगे तो वैसा ही दिखेगा, यू को भी दिखाएंगे तो वैसा ही दिखेगा, वी को दिखाएंगे यू वी, W,
एक्स, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 टोटल कितने हैं दोस्तों? 11 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको इमेज जो है वो सेम होता है, ठीक है। अगला सवाल, 30 दिसंबर 2000 को रविवार था, तो 3 जनवरी 2001 को, देखिए बिल्कुल दिसंबर 2000 और 2001 की बात कर रहे हैं जनवरी में, तो 3 दिसंबर में कितने दिन और बच गए? तो हमारे 27 दिन इधर बच गए, और 3 जनवरी मतलब 3, टोटल कितने दिन हुए? 30 दिन हुए, सॉरी 31 का महीना आता है दिसंबर ना, तो इधर 28 दिन बचेंगे, और 3 दिन इधर मतलब टोटल 31 दिन बच गए। तो 31 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 4 = 28, और आपके पास 3 दिन बचेगा, यानी कि रविवार के 3 दिन बाद, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो बुधवार हमारा सही आंसर हो जाएगा। लॉजिक बहुत आसान है। चलिए अब यहाँ तक दोस्तों, यहाँ तक एक चीज़ बता दो, यहाँ तक आपका रीजनिंग था, 10 के 10 सवाल आप आसानी से कर लें। अब यहाँ से 50 ऐसे बहुत आसान से सवाल मिलेंगे जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, मान लीजिए कल टीचर आप बन जाते हैं तो कैसे आप बच्चों से डील करेंगे उसकी बात है। चलिए अब कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के पूर्व की, मतलब पढ़ाने से पहले एक क्रिया कौन सी होती है? मूल्यांकन तो पहले आप करेंगे नहीं, पहले तो पढ़ाएंगे। पहचान करना, देखिए पहचान की इंग्लिश डायग्नोसिस लिखी है, डायग्नोसिस का मतलब होता है निदान करना, मतलब डायग्नोसिस का मतलब होता है किसी की डायग्नोसिस करना, किसी कारण को जानना, उसका उपचार करना, तो डायग्नोसिस, तो ये भी नहीं होगा। क्रमबद्ध उपचार तो करेंगे, तो क्रमबद्ध करना दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? क्रमबद्ध करना। अगर आप पहचान पे जाते तो गलती हो जाती, पहले पहचान, लेकिन डायग्नोसिस देखिए यहाँ पे होना चाहिए निदान होना चाहिए, लेकिन ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रमबद्ध करना। निम्नलिखित में से कौन से एक साक्षात्कार, इंटरव्यूज के कुछ टाइप्स होते हैं, तो इंटरव्यूज के जब टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि सेमी स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड, ये इंटरव्यू के टाइप्स होते हैं, जबकि विशेष और स्पेशल जिसे कहते हैं ना, वो इंटरव्यू के टाइप्स नहीं होते। हाँ, शैक्षिक दक्षता की मूल आवश्यकता है, द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ टीचिंग इफिशेंसी, टीचिंग इफिशेंसी की एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि शिक्षण कौशलों में निपुणता, टीचिंग स्किल्स आपको बेहतर आनी चाहिए, शिक्षण के विभिन्न तकनीकी को आप निपुणता, मतलब जो भी टेक्निक होती है टीचिंग, उसको आपको आना चाहिए, आना चाहिए, दोनों आना चाहिए, उपरोक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। बच्चों को पढ़ाने की कला एवं विज्ञान को क्या कहते हैं? पेडागोजी कहते हैं। जी हाँ बिल्कुल, पेडागोजी कहते हैं। अच्छा, एंड्रोगोजी किसे कहते हैं? बच्चों के, वयस्कों को पढ़ाने की कला, इसीलिए आप देखेंगे आपको पेडागोजी पढ़ाया जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें आपको सिखाया जाता है टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं, टीचिंग टेक्निक्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, तो ये पेडागोजी जब आप बच्चों को पढ़ाने की कला सीखेंगे, विज्ञान सीखेंगे, सो दैट इज़ कॉल्ड पेडागोजी। जब वयस्कों को पढ़ने और पढ़ाने की कला सीखेंगे तो वो कहलाती है एडागोजी, ठीक है। तो पेडागोजी इसका सही आंसर हो जाएगा, हम सब के सब्जेक्ट में पेडागोजी रहता है। चलिए, प्रभावी शिक्षण, अफेक्टिव टीचिंग के फंक्शंस, यानी कि क्या क्या हैं, कार्य क्या क्या हैं, शिक्षक का संतोष, मतलब एक टीचर की टीचिंग कब बेहतर हो जाती, टीचर संतोष हो जाए, शिक्षक की ईमानदारी और प्रतिस्पर्धा, शिक्षक का छात्रों को पढ़ाना और समझाना, व्यावसायिक श्रेष्ठता के प्रति शिक्षक की रुचि, टीचिंग लाइकिंग प्रोफेशन एक्सेलेंस, टीचर सेटिस्फेक्शन, टीचर ऑनेस्टी एंड कमिटमेंट, शिक्षक का छात्रों को पढ़ाना और समझाना, ठीक है। तो जब स्टूडेंट समझ गए इससे आपको बेहतर क्या चाहिए, तो ये ज़्यादा सही आंसर है। अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ है विच वन ऑफ द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ अ लर्निंग, कौशल का अर्जन, कौशल का, स्किल्स को सीख लेना, व्यवहार का संशोधन, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, व्यक्तिगत समायोजन या ज्ञान को दिमाग में बैठाना। देखिए तीनों, ये तीनों सही है, इन तीनों, ये तीनों अच्छी, अच्छा है, लेकिन इसका बेस्ट क्या है दोस्तों? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। गेट्स महोदय ने कहा था लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, ठीक है। चलिए अब आइए, समझ आ रही है? आप सभी सॉल्व करते चलिए, बहुत आसान है। कक्षागत भाषण में निम्नलिखित तत्वों का सही क्रम रखिए, द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट क्लासरूम स्पीच, क्लासरूम में अगर आप स्पीच देंगे, आपने फाइल भी बताया होगा, तो पहले तो आपको प्रस्तावना रखना पड़ेगा, ठीक है, वर्णन करना पड़ेगा, दूसरा आपको वर्णन करना पड़ेगा, फीडबैक की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अभी आपको फीडबैक लास्ट में पड़ता है, उपसंहार कंक्लूजन दीजिए, स्पष्टीकरण भी सबसे लास्ट में होता है, तो पहला प्रस्तावना, दूसरा वर्णन, तीसरा उपसंहार, और उसके बाद फीडबैक ले लीजिए, और फिर लास्ट में स्पष्टीकरण दीजिए। 1, 2, 5, 3, 4 ये आपका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट, वेरी गुड। चलिए 48 की बात कर लेते हैं, उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षक की भूमिका है, एक टीचर का रोल क्या होना चाहिए? विद्यार्थी को केवल सूचना प्रदान करना इज़ नॉट अ रोल,
विद्यार्थी को स्वाध्याय के लिए प्रोत्साहित करना या फिर विद्यार्थी की प्रतिस्पर्धा नहीं होगा, नहीं ये हो जाएगा सही आंसर आपका, उसको सेल्फ लर्निंग के लिए प्रमोट करना, मोटिवेट करना। ठीक है, चलिए। शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर निर्भर होता है? देखिए, इन्फोटेनमेंट का मतलब इन्फॉर्मेशन प्लस इंटरटेनमेंट, एजुटेनमेंट का मतलब एजुकेशन प्लस इंटरटेनमेंट, केवल इंटरटेनमेंट या पावर इन्वेक्शंस, इनके एक्शंस। तो आपका संप्रेषण जो बच्चे से आप बात कर रहे हैं ना, वो किस पे होना चाहिए दोस्तों? उसको इंटरटेनमेंट और एजुकेशन दोनों मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई बात। कक्षा संप्रेषण होना चाहिए, बच्चों का जो कम्युनिकेटर होता है, जो बच्चों में जो क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है वो कौन सा होना चाहिए? शिक्षक केंद्रित मतलब केवल जिसमें शिक्षक को, टीचर को अच्छा लग रहा है, या छात्र केंद्रित जिसमें छात्र को अच्छा लग रहा है, सामान्य केंद्रित मतलब ठीक है ऐसे, या पुस्तक केंद्रित नहीं। तो वास्तव में क्या होना चाहिए दोस्तों? छात्र केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड यानी कि स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए। करेक्ट, वेरी गुड। चलिए, अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली है, ठीक है, द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग क्या होता है भाई? जानकारी, केवल जानकारी प्रदान कर देना, पुस्तकों को पढ़ने के लिए कहना, चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना, उसमें भाग लेना, दिस विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी, दंड ना देकर बच्चों को, अगर मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि अरे आप दंड नहीं देकर बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, तो वास्तव में वो क्या मतलब है? कक्षा में दंड पर रोक लगा नहीं लगाइए, शारीरिक दंड को स्वीकार नहीं है, अवांछित व्यवहार पर दंड दिया जाना चाहिए। मतलब कहने का मतलब आपसे ये कहा जा रहा है कि आप दंड देके बच्चों को नहीं देके बिगाड़ रहे, मतलब अगर बहुत दिक्कत हो तो आप दंड का मतलब ये नहीं कि मार ही दीजिए, दंड कुछ भी हो सकता है, कि होमवर्क ज़्यादा करके लाओ दंड हो सकता है, कि ये याद करके लाओ, कुछ भी हो सकता है। तो ये वाला सही आंसर हो जाएगा। कक्षा में परस्पर संवाद से जब बच्चों में आप बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो क्या निकल कर आता है? ठीक है, क्या पाते हैं आप, क्या आना चाहिए? आर्गुमेंट, आज तो बहस हो गई, आर्गुमेंट, सूचना, कोई इन्फॉर्मेशन निकल के आनी चाहिए, या फिर कोई विचार, कोई आइडिया निकल के आनी चाहिए, कि बस एक मैटर हो जाए, विवाद हो जाए, तब गड़बड़ आए तो हो गया मैटर, ये नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो निकल क्या आना चाहिए, शुड जेनरेट क्या होना चाहिए? एक नया विचार जेनरेट होना चाहिए। गॉट इट, वेरी गुड। हाँ जी, प्रभावी और अस्थायी शिक्षा ग्रहण के लिए शिक्षक, शिक्षा ग्रहणकर्ता के पास होना चाहिए। फॉर एफिशिएंट एंड ड्यूरेबल लर्निंग अ लर्नर शुड हैव, बच्चों के पास क्या होना चाहिए? केवल शिक्षा, केवल उत्प्रेरक, केवल शिक्षा, ये जब केवल शब्द आता है तो अगर नेगेटिव सेंस देता है तो ये मोस्टली नहीं होते। योग्यता एवं प्रेरणा दोनों होना चाहिए, डिजायर ऑफ लेवल ऑफ एबिलिटी एंड मोटिवेशन दोनों होना चाहिए। सो दिस इज बी करेक्ट आंसर। हाँ जी, विद्यार्थी का सही मूल्यांकन निम्नलिखित पद्धति से किया जा सकता है। बाई विच फॉलोइंग मेथड अ ट्रू एवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट कैन बी डन इज द पॉसिबल। तो पाठ्यक्रम के अंत में मतलब पढ़ा दिए, लास्ट में मूल्यांकन, वर्ष में दो बार सतत मतलब कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, जब आप पढ़ाएं तो आप चेक करते रहें कि बच्चों का समझ में आया कि नहीं आया, कितना आया, तो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन और निर्णात्मक, तो द करेक्ट आंसर विल बी द कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, सतत, व्यापक हो तो व्यापक भी हो सकता है। जब मान लीजिए एक विद्यार्थी अपनी समस्या को लेकर आपके अध्यापक के साथ बांटना चाहता है, और इसके लिए वो अध्यापक के घर आ जाते हैं, एक बच्चा है जिसके पास कोई प्रॉब्लम है तो वो आपके घर आ गया पूछने के लिए, इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? विद्यार्थी के पिता से संपर्क करके उसकी समस्या का समाधान करेंगे? देखिए, बच्चों का कोई प्रॉब्लम डायरेक्ट आप पिता से बता तो सकते हैं, मगर थोड़ा देखते हैं उसके उसे बताए कि वो घर पर, बच्चों से कहिए बेटा घर पर मत आओ, स्कूल में बात करना, उसे बताए कि प्रधान अध्यापक से मिले, प्रिंसिपल से बात करो जाके, या उसे रीजनेबल हेल्प करें, सहायता दें, और उसके उसको प्रोत्साहित करें, कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हो। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए, जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा के अनुशासन को जानबूझकर खराब करते हैं, तो एक अध्यापक के रूप में आपके क्या रोल या क्या भूमिका होनी चाहिए? उन विद्यार्थी को विद्यालय से निकाल, चल दफाओ, निकल जाए से, उन विद्यार्थियों को अलग कर दीजिए, अपनी सत्ता के साथ उस समूह का सुधार करें, रिफॉर्म दैट ग्रुप विथ योर अथॉरिटी, उन्हें शिक्षण का अवसर दे उनका व्यवहार में सुधार लाने, गिविंग देम अपॉर्चुनिटी ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड इम्प्रूव देम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, अपनी सत्ता के साथ उस समूह का सुधार करें, उसको हेल्प करें। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपित साधन है, मतलब प्रोजेक्टर का वो है? ब्लैक बोर्ड में कोई प्रोजेक्टर यूज नहीं होता, प्रोजेक्टर मतलब थिएटर में देखते कैसे रेस निकलता है और प्रोजेक्टर चलता है,
डायोरमा नहीं होता है इसका, यही होगा छाया प्रक्षेपित यानी कि एपिडियोस्कोप, ये एक प्रोजेक्टेड टाइप्स होता है, इसी से बचो, ग्लोब तो होता नहीं, ठीक है। हाँ देखो इसी तरीके से लॉजिकल आप इसको पढ़ोगे ना, एक दो बार पढ़ोगे तो खुद यहाँ से आंसर निकल जाएगा। अध्यापक को प्रश्न पूछने के अनिरुद्ध माना जाता है यदि वह निम्नलिखित प्रश्न पूछ रहा है। अब एक टीचर जो है वो क्वेश्चन पूछता है तो वो फ्लुएंट क्वेश्चन पूछ कब कहा जाएगा, जब वो मीनिंगफुल अर्थपूर्ण प्रश्न करे, जरूरत हो तब प्रश्न अर्थ करे, या फिर वो जितना ज़्यादा मतलब पूछता ही जाए, या फिर निश्चित समय में अधिक प्रश्न पूछे, या निश्चित समय में बहुत अर्थपूर्ण, तो सबसे अच्छा क्या भैया मीनिंगफुल अर्थपूर्ण प्रश्न करे, तब उसको हम फ्लुएंट मानेंगे। गॉट इट, वेरी गुड। हाँ जी, अध्यापक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सर्वाधिक अनिवार्य है, एक टीचर के पास कौन सी ये क्वालिटी होनी चाहिए, ये कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, वह विद्वान व्यक्ति हो मतलब बहुत जानकारी हो, वह अच्छा वेशभूषा में आता हो, उसमें पेशेंस लेवल हो, धैर्य हो, वह अपने विषय में निपुण होना चाहिए, ये भी सही है और ये भी सही है, उसमें धैर्य होना चाहिए, विश्वविद्यालय आपको मानता है, उसमें धैर्य होना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित सामग्री का सही मूल्यांकन कीजिए, किस आधारित पर होते हैं, लिखित सामग्री, कोई बच्चा आपको रिटर्न में कुछ देता है तो आपको उसका मूल्यांकन करना है, किस आधार पर नहीं करना चाहिए, ठीक है। भाषीय अभिव्यक्ति के आधार पर आपको नहीं करना चाहिए, मतलब इंसान की अपनी अभिव्यक्ति होती है कि वो कैसे लिखना चाहता है, तो इस पर तो कर सकते हैं, तार्किक कितना लॉजिकल वो प्रेजेंट करता है इस पर भी कर सकते हैं, जो पढ़ाया गया है उसे पुनः प्रस्तुत करने की क्षमता, जैसे जो आपने पढ़ाया है उसको दोबारा वो कैसे रिप्रेजेंट कर पा रहा है, विषय का परिज्ञान, द कॉम्प्रहेंशंस ऑफ अ सब्जेक्ट, आपके विश्वविद्यालय इसको सही आंसर मानता है, मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया तो मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। हाँ जी, शिक्षक सामग्री का उपयोग, मतलब टीचर जो है ना वो टीचिंग मटेरियल्स का क्यों यूज़ करता है, ये सवाल है, देखो इस तरीके से आसान सवाल पूछें, मनोरंजन बनाने के लिए, विद्यार्थी की समझ को बढ़ाने के लिए, या फिर ध्यान आकर्षण करने के लिए, विद्यार्थी को सतर्क करने के लिए, तो सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा, विद्यार्थी, कम से कम 15-20 सवाल ऐसे आपको लगेंगे जिसमें दोनों ऑप्शन आपको सही मिलेंगे, लेकिन आपको बहुत परफेक्ट वाला करना है, ठीक है। हाँ देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है एटीट्यूड कॉन्सेप्ट स्किल्स एंड नॉलेज आर द प्रोडक्ट ऑफ अभिवृत्ति संकल्पना, ये किसका उपज है, ये चीज़ें कब आपके अंदर आती हैं, जब आप सीखने की प्रक्रिया, शोध का वंशानुगत व्याख्या, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, लर्निंग, सीखने का, ठीक है, बहुत अच्छा। मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ, आपका भी काफ़ी टाइम लगा होगा, बट देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देख के जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य कुशलता है जो आज अध्यापक के लिए कक्षा अध्यापन में समायोजन करने की प्रभावशाली सिद्ध होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स आर नीड प्रेजेंट डे टीचर टू जस्ट एडजस्ट एफेक्टिवली, कैसे होना चाहिए, प्रौद्योगिक ज्ञान, मतलब टीचर को नॉलेज होना चाहिए, अध्यापन अधिगम में प्रौद्योगिकी का प्रयोग, विद्यार्थियों के, देखो ये तो होना चाहिए, थर्ड नंबर तो होना चाहिए, थर्ड नंबर सब में है, इसमें नहीं है, विषय पर अधिकार, नॉलेज भी उसके अंतर्गत होना चाहिए, विषय जो है उसके अंतर्गत, तो इसमें है फोर्थ नंबर इसमें है, तो ये दोनों नहीं होगा, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हाँ ये कह रहा है कि कक्षा में कुछ छात्र बहुत अधिक अधिगम जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं, वो क्या है, सम स्टूडेंट्स बहुत जिज्ञासा है, मतलब क्यूरियस होते हैं सीखने के लिए, तो ऐसे बच्चों को इस क्या कहेंगे आप, प्रतिभाशाली कहेंगे कि धनी परिवार के हैं, बनावटी व्यवहार है, कक्षा में उद्दंडता फैला रहे हैं, मतलब इनडिसिप्लिन कर रहे हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है, वो क्या है भाई, प्रतिभाशाली हैं, गिफ्टेड चाइल्ड है, ठीक है, बहुत अच्छा। एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, एक टीचर की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, अब मान लीजिए आप हैं, आपकी सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है, विषय का ज्ञान होना चाहिए, तो होना चाहिए भाई, ये सब्जेक्ट होना चाहिए, अच्छा कम्युनिकेट भी होना चाहिए, बिल्कुल है, छात्र कल्याण की चिंता हो, ये भी सही है, प्रभावी नेतृत्व का गुण, ये भी सही है, लेकिन सबसे इसमें देखेंगे तो बेस्ट क्या होगा भाई, इसमें बेस्ट क्या होगा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट होना चाहिए कि विषय का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, करेक्ट। चलिए 67 की बात कर लेते हैं, शिक्षक छात्र संबंध में कौन सी बात सही है, टीचर स्टूडेंट के रिलेशन में कौन सी बात सही है, बहुत अनौपचारिक, कैसा होना चाहिए, मतलब वेरी इनफॉर्मल, और गुरुजी क्या हालचाल है, सब बढ़िया मस्त है, ये वेरी इनफॉर्मल होता है, ऐसी बात नहीं होती, कक्षा कक्ष तक, मतलब क्लासरूम तक ही सीमित होना चाहिए, बस स्कूल से बाहर तुम कौन हम कौन कोई मतलब, ऐसा नहीं, कॉर्डिलर और रेस्पेक्टफुल, सद्भावपूर्ण और सम्मानपूर्ण होना चाहिए, मतलब अच्छे से संबंध भी रहे और सम्मान भी रहे, तो ये सही जवाब हो जाएगा, उदासीन का मतलब अरे यार गुरुजी आ गए हटाओ यार हटाओ, बंद, उदासीन नहीं होना चाहिए,
सद्भावपूर्ण आज ठीक है। चलिए, छात्र की शैक्षिक निष्पस्थिति की सुधार, एकेडमिक परफॉर्मेंस को अगर आपको सुधार करना है बच्चों में, तो माँ बाप को कैसे समझाया जा सकता है, माँ बाप को कैसे बताया जा सकता है अपने बालक के कार्य के निरीक्षण के लिए। ठीक है, माँ बाप को करना चाहिए, अपने बालक के कार्य का निरीक्षण करना चाहिए। अतिरिक्त ट्यूशन करा करा के तो और बच्चों की हालत ख़राब कर दी गई है। इसके बारे में चिंता ही मत करिए, अरे हटाओ जो होता है होने दो। बार बार अध्यापक के साथ अंतःक्रिया, ये भी सही है, लेकिन माँ बाप क्या करें, माँ बाप उनके कार्यों के निरीक्षण करें तो ये ज़्यादा सही है। सारा काम मास्टर जी करिए। हाँ जी, तो व्हेन इन ए क्लासरूम अ टीचर शो अबिलिटी क्रिएटिविटी, एक टीचर क्रिएटिविटी के वो दिखाता है, अबिलिटी दिखाता है, कोरिलेशन और एनालिसिस दिखाता है, तो वो किस कैटेगरी के स्किल्स में आता है। जब कोई शिक्षक सृजनात्मकता, सहसंबंधता और विश्लेषण दिखाता है तो वो किस शब्द, जब भी बात दोस्तों क्रिएटिविटी की होगी तो चिंतन कौशल या थिंकिंग स्किल जरूर आएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चिंतन कौशल। एक्सप्रेशंस मीडिया ह्यूमन नहीं होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा थिंकिंग कौशल, क्योंकि वो क्रिएटिविटी दिखा रहा है, उसको अपनी सोच दिखा रहा है। हाँ जी, अनुसंधान के प्रभावित शिक्षण का मुख्य व्यवहार किसे माना जाता है। अनुसंधानों में प्रभावित शिक्षण का मुख्य व्यवहार, मान लीजिए कोई रिसर्च चल रहा है, इन विच द फॉलोइंग डिजाइन इफेक्टिव टीचिंग इवेंट फ्रॉम रिसर्च। अब इस रिसर्च में एक टीचर के व्यवहार को आप प्रभावी मानेंगे। विद्यार्थी के विचारों और योगदान का उपयोग, स्ट्रक्चरिंग टास्क, कार्य अभिमुखीकरण, टीचर टास्क, टीचर का क्या कार्य है, टीचर उस रिसर्च में क्या कर रहा है, आप इसको क्या मानेंगे दोस्तों, आप इसको प्रभावी मानेंगे शिक्षण का, टीचर अफेक्ट। तो ये इसका सही आंसर आपको यूनिवर्सिटी ने दिया है, करेक्ट। मेरी आवाज़ आ रही है, थोड़ा वॉल्यूम तेज कर लेना। चलिए, यदि आपको सामान्य विद्यार्थी के साथ साथ, मान लीजिए आप क्लासरूम में पढ़ा रहे, उस क्लासरूम में सामान्य विद्यार्थी के साथ साथ ऐसे भी बच्चे हैं जो विजुअली चैलेंज हो, मतलब दृष्टिहीन, थोड़ा सा कम दिखाई देता है, और नॉर्मल दो बच्चे दोनों हैं, तो आप क्या करेंगे इस कंडीशन में। अतिरिक्त ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं करेंगे, ध्यान तो देना चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा। कक्षा में सहानुभूति, देखिए सहानुभूति मतलब एक दया वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप सोचेंगे कि अंधापन उसका भाग्य है, नहीं ऐसा नहीं। आगे की पंक्ति में उस बच्चे को क्या करिए, आगे की पंक्ति में व्यवस्था करिए, और उसके लिए सुविधाजनक गति से पढ़ाने की कोशिश, उसको क्या करिए, इस गति से लिखिए और पढ़ाइए कि उसको समझ आए, ठीक है। तो ये वाला परफेक्ट आंसर लग रहा है, ये ऐसे सवाल है कई बार पढ़ेंगे तो आपको यहीं से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या उत्तम उपलब्धि परीक्षण है, अचीवमेंट टेस्ट का सबसे बेस्ट क्या नहीं है, कह रहा है क्या नहीं है। तो जब भी आप अचीवमेंट टेस्ट करते हैं तो वो जो अचीवमेंट टेस्ट आपने है वो रिलायबल होनी चाहिए, मतलब विश्वसनीय होना चाहिए, बस ऑब्जेक्टिव भी होनी चाहिए, अस्पष्ट नहीं, स्पष्ट होनी चाहिए। तो ये गलत, ये वाला नहीं हो, ये वाला सही आंसर हो जाएगा, वैध वैलिड भी हो लेकिन स्पष्ट हो, यहाँ पे अस्पष्टता है तो ये गलत है, तो इसीलिए पूछ रहा है नॉट हो ना, नॉट अ करेक्टर, तो ये इसका करेक्टर नहीं है। निम्नलिखित में से क्या प्रक्षेपी साधन नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग डोंट बिलोंग टू एड, प्रोजेक्टेड एड देखेंगे तो उसमें कौन सा नहीं है, ब्लैक बोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये प्रोजेक्टर का पार्ट है, छाया एपिडोस्कोप प्रोजेक्टर का पार्ट है, स्लाइड प्रोजेक्टर भी प्रोजेक्टर का पार्ट है, तो ब्लैक बोर्ड प्रोजेक्टर, ब्लैक बोर्ड तो सिंपल ब्लैक बोर्ड होता है। एक अध्यापक के लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए निम्नलिखित कौन सी पद्धति सही है, ब्लैक बोर्ड पर आप लिख रहे हैं तो कौन सी आपकी मेथड सही है। तेज़ी से जहाँ तक फराटेदार, तेज़ी से जहाँ तक संभव हो लिख दिए, सर्वप्रथम विषय वस्तु को लिख देना तथा फिर विद्यार्थी को उसे पढ़ने के लिए कहना, ऐसा नहीं उसको समझाते हुए लिखेंगे ना, सर्वप्रथम विद्यार्थी से प्रश्न पूछना और फिर उत्तर विकल्प वैसे लिखना, मुख्य बातों को जहाँ तक संभव हो स्पष्टता से लिखिए, मुख्य मुख्य बातें लिखिए, ऐसा नहीं पूरा छाप दीजिए नहीं, और स्पष्टता से लिखिए जो भी मुख्य बातें हैं उनको लिखिए, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, एक अध्यापक सफल हो सकता है यदि वो विद्यार्थी को बेहतर नागरिक बनाने में मदद करता है, सही आंसर लग रहा है। अ टीचर कैन बी सक्सेसफुल, विद्यार्थी का विषय ज्ञान देता है, विद्यार्थी को विषय ज्ञान देता है, विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण, विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से पेश करता है, तो ये आपके विश्वविद्यालय ने सही आंसर माना है कि विश्वविद्यालय, सॉरी, अगर कोई टीचर कब सफल है, जब वो सही ढंग से अपने बच्चों को ज्ञान को पेश करता है। बस हम इसमें थोड़े से और क्वेश्चन देखने वाले हैं, फिर इस वीडियो को समाप्त करेंगे, ठीक है। चलिए, अध्यापन के प्रति गत्यात्मक उपागम, डायनेमिक अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। अध्यापन सशक्त तथा प्रभावशाली, देखिए फोर्सफुल नेगेटिव वर्ड है तो फोर्सफुल नहीं ले सकते, शुड बी एनर्जेटिक एंड डायनेमिक, अच्छा ठीक है।
टीचिंग शुड नॉट बी स्टैटिक एंड डायनेमिक, टीचिंग शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू एक्टिविटीज। विद्यार्थी को ऐसा होना चाहिए जो बच्चे गति एक्टिविटीज से सीखें, यानी कि बच्चे किससे सीखें दोस्तों, गतिविधियों से सीखें। तो ये वास्तव में क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा। निम्नलिखित में से किसे अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? कंसिडर मोटिवेटेड टीचिंग। एक क्लासरूम में आप मोटिवेटेड टीचिंग किसको मानेंगे? जहाँ पे विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछता हो, बच्चे भी आपसे सवाल पूछें, विद्यार्थी की उपस्थिति अधिकतम हो, कक्षा में बिल्कुल शांति बना हो, या विद्यार्थी अपनी कापियाँ नोट्स कर ले रहा है, तो किसको आप दोस्तों मोटिवेटेड मानेंगे, अभिप्रेरित मानेंगे? जहाँ पे बच्चा भी क्या करता हो, सवाल पूछता हो। तो आसान से सवाल है, इसलिए मैं इसको जल्दी करा देता हूँ, क्योंकि आप एक बार में इसका जवाब सही दे देंगे। निम्नलिखित में से किस शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है? निम्नलिखित शिक्षण का बेस्ट मेथड कौन सा है? आप किसी बच्चे को पढ़ाए, मान लीजिए आपने लेक्चर दे दिया, लेक्चर भी मेथड है, लेकिन बेस्ट क्या है? विचार डिस्कशन करके पढ़ना। डेमोन्स्ट्रेशंस का मतलब आप पढ़ाते हो उसको दिखा रहे हैं, जैसे अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट पढ़ा रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो उसको डेमो दिखा के पढ़ा रहे हैं, या केवल आप उसको बता दे रहे हैं, तो बेस्ट मेथड क्या है भाई? डेमोन्स्ट्रेशंस मेथड्स। ठीक है, ये आपके सीटेट का सवाल कोई भी गलत नहीं कर सकता। डिसलेक्सिया का मतलब क्या होता है? डिसलेक्सिया एक बीमारी है जो कि होता है पढ़ने में विकृति, रीडिंग डिसऑर्डर। ठीक है, लेखन में विकृति का मतलब कमेंट में बता सकते हैं, डिसग्राफिया। वेरी गुड। हाँ जी, कक्षा में विद्यार्थी द्वारा संदेश ग्रहण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आंतरिक एवं बाह्य कारक, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर, मैसेज रिपीटिशन बाय स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम्स आर रेफर्ड एज, मतलब बहुत बच्चे और बाहर के लोग कुछ शोर शराबा, तो इसको क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। चलिए, व्याख्यान देते समय यदि कक्षा में कोई बाधा हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर मान लीजिए बच्चे कोई लेक्चर दे रहा है और कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो बच्चे को क्या करना चाहिए? कुछ देर के लिए चुप हो जाए, बाधा डाल रहे को दंडित करे, जो बाधा डाल रहे उसे सीखने के लिए प्रेरित करे, या कक्षा में जो कुछ हो रहा है उसके परवाह ना करे। तो जो बच्चे बाधा डाल रहे हैं ना, उनको क्या करें? सीखने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ और सवाल बचे हैं, फिर हमारी ये वीडियो ख़त्म होगी। शिक्षण संस्थानों में आने वाले छात्र में जितनी बाधाएं आएंगी उतनी अधिक अपेक्षा होगी। मतलब देखिए, टीचिंग जो बच्चे आते हैं ना, तो उनके पास जितनी प्रॉब्लम्स होंगी उतनी ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाएगा। किससे एक्सपेक्ट किया जाएगा? परिवार से, समाज से, या टीचर से? तो टीचर से उतनी ज़्यादा अपेक्षाएँ होंगी। हाँ, कक्षा में विद्यार्थी को संबोधित करते समय अध्यापक द्वारा ध्यान में रखने जा रही बात है। जब कोई भी बच्चा, मान लीजिए आप टीचर हैं, आप बच्चे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। क्या ध्यान दीजिए? ये देनी चाहिए कि अवॉइडेंस प्रॉक्सिमिटी, सानिध्य में से बचना चाहिए, वॉइस मॉड्यूलेशंस, मतलब जैसे होता है ना, बात करते वक्त बातों को ऊपर ले जाना, फिर नीचे ले जाना, वॉइस इस पर ध्यान देना चाहिए, या फिर बार बार रुकना जाना चाहिए, रिपीटेड रुक जाना चाहिए, या स्थिर मतलब फिक्स पोस्चर, बिल्कुल ऐसे खड़े होकर बात करना, ऐसा नहीं। तो आपको वॉइस वॉक, स्वर घात परिवर्तन, जो आपकी आवाज़ ऊंची नीची होती है ना, देख आप सर, मैं भी ऐसे बोलता रहता, ठीक है, तो इस तरीके से आपको सोचना चाहिए। एक अध्यापक के रूप में कक्षा में आपकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन कीजिए। अगर आप इफेक्टिव प्रेजेंस आप देना चाहते हैं, तो क्या आपके लिए सहयोग समावेशी का प्रयोग, आक्रामक तो नहीं हो सकता, सुव्यवस्थित वेल एस्टेब्लिश्ड पोस्चर्स, या फिर बीइंग ऑथोरिटी प्राधिकारीवाद, इसका जो सही विकल्प आपका विश्वविद्यालय मानता है, वो मानता है ये एडॉप्शन ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड पोस्चर्स आपका मानता है। चलिए, लास्ट 15 मोर क्वेश्चंस, ओके, वेरी गुड। कक्षा में प्रभावी अनुशासन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? अच्छा डिसिप्लिन बना रहे क्लासरूम में, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? छात्रों को जो चाहे कहने दें, छात्रों के साथ कठोर व्यवहार करें, छात्रों को कुछ समस्या हल करने के लिए दे दें। ठीक है, खाली समय शैतान का घर होता है, खाली दिमाग, तो वो खाली रहेंगे तो वो करते रहेंगे। उसमें नरमी के साथ दृढ़ता, डील विद देम पोलाइटली एंड फर्मली, ठीक है, ये भी सही है, बट बेस्ट ऑप्शन ये है कि उनको कुछ काम करने के लिए दे दें। हाँ जी, प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री वह है जो रंग बिरंगी हो, मतलब टीचिंग मटेरियल्स जो होते हैं ना, वो बेस्ट कौन सा है? जो बहुत ज़्यादा कलरफुल हो, या एक्टिवेट ऑल सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करे, और ज्ञानेंद्रिय मतलब ऑल सेंसेस कह लो, हाँ ऑल सेंसेस, तो ये आपका बेस्ट ऑप्शन, सभी छात्रों को दिखाई दे, बनाने में प्रयोग आसान हो, तो क्या भाई, जो सभी ज्ञान इंद्रियों को एक्टिव करती हो। छात्रों में वे अध्यापक लोकप्रिय होते हैं, मतलब टीचर्स जो होते हैं ना, वो बहुत लोकप्रिय होते हैं। कौन से टीचर लोकप्रिय होते हैं?
उनके साथ जो निकटता बना लेते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने में सहायक होते हैं, अच्छे नंबर देते हैं या अतिरिक्त ट्यूशन पढ़ाते हैं, नहीं तो जो उनकी समस्याओं को, जो हेल्प करते हैं उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, वो टीचर क्या होते हैं, पॉपुलर होते हैं ज़्यादा उनकी समस्याओं का समाधान करने में। तो ये आपका विश्वविद्यालय सर, आप तो कहोगे कि सर जो अच्छे अंक देते हो, नहीं तो ये वाले सही हैं। एक प्रभावी कक्षा का वातावरण का मूल तत्व है। एक प्रोग्रेसिव, अगर आप इफेक्टिव क्लासरूम की बात करें तो उसका मूल तत्व क्या है, शिक्षण सामग्री की विविधता, शिक्षक छात्रों का सजीव अंतःक्रिया, शांति या सशक्त अनुशासन। तो लाइवली मतलब टीचर बिल्कुल सजीव हो, मतलब अंतःक्रिया बहुत अच्छे से एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के साथ सीखते हैं, सिखाते हैं, करेक्ट। यदि कक्षा में पहले दिन छात्र किसी अध्यापक को स्वयं का परिचय, आप क्लासरूम में गए पहले दिन आपसे बच्चा कह रहा है सर आप अपने बारे में परिचय दीजिए, तो आप क्या कहेंगे उन्हें, कक्षा के बोलो कि भाई क्लासरूम के बाद मिलतूं। शॉर्ट में आप क्या करेंगे, ब्रीफ में आप अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे, इस मांग की उपेक्षा करके हटा देंगे, पढ़ाना शुरू कर देंगे, उसे डांट देंगे, नहीं ऐसा मत करिए, शॉर्ट में आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, अच्छी बात है। लास्ट 10 questions, ओके। नैतिक मूल्यों को प्रभावी रूप से विकसित किया जा सकता है जब अध्यापक बार बार केवल मूल्यों की बात करे, स्वयं उन पर आचरण करे, खुद जब चलेगा नैतिक मूल्यों पे, खुद जब सच बोलेगा तो बच्चे सच बोलेंगे, खुद जब साफ सफाई से आएगा तो बच्चे साफ सफाई, खुद गुटखा पान मसाला नहीं खाएगा तो बच्चे नहीं खाएंगे, ठीक है। महान व्यक्ति कहानी सुना के देव देवताओं की बात करके, तो सही आंसर होगा हिमसेल्फ प्रैक्टिस दैट, ठीक है। चलिए अब दोस्तों यहाँ से जो 9-10 सवाल हैं वो आपके लास्ट सवाल होने वाले हैं, और वो आपका फिलॉसफी से संबंधित है, ठीक है, एजुकेशन फिलॉसफी से 10 सवाल आपके होने वाले हैं, ठीक है। चलिए, किसने कहा था शिक्षा दर्शन शिक्षा का समस्याओं का अध्ययन कर, जब आप परिभाषा पढ़ते हैं तो उससे कम से कम 10-15 सवाल आपको ऐसे ही डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे। किसने कहा था कि शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन का प्रयोग है, द फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ फिलॉसफी टू द स्टडी ऑफ अ प्रॉब्लम्स एजुकेशन, जॉन डीवी, हैंडरसन, एडम्स, अरस्तु। तो ये बात किसने कही थी दोस्तों, हैंडरसन ने कही थी। सांख्य दर्शन के अनुसार कितने तत्व होते हैं, द नंबर्स ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द सांख्य दर्शन 23, 25, 24, 22। कितने लोग आप में से ये कह रहे हैं कि 24, तो जितने भी लोग कह रहे हैं 24, आप सॉरी टू से कि आप गलत हो, द करेक्ट आंसर इज 25, ठीक है, वेरी गुड। किन दर्शनवादी ने कहा था कि प्रकृति की ओर लौटो, प्रकृति की ओर लौटो किसने कहा था, प्रकृतिवादियों ने कहा होगा, ऑब्वियस सी बात है प्रकृतिवादियों ने कहा था, ठीक है, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। किस शिक्षाविद ने बालक की तुलना एक सीड से की थी, बीज से की थी, मेरे फेवरेट है हर्बर्ट पेस्टोलॉजी, फेब्रोल या जॉन डीवी, किसने कहा था, अगर आप मानते हैं पेस्टोलॉजी तो बिल्कुल सही जवाब है, ये आपका सही जवाब। बेसिक शिक्षा का कौन सा सिद्धांत नहीं है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मेथड है नहीं है, आप बताइए, स्वावलंबन, सेल्फ रिलायंस, क्राफ्ट सेंटर्ड, बच्चों को क्राफ्ट बना के सिखाना, लिटरेसी एजुकेशन, बच्चों को एजुकेट करना, सेल्फ खुद निर्भर बनाना सिखाना, तो ये आपका नहीं है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। हाँ, लास्ट 2-4 सवाल है, फिर इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। बालक की शिक्षा किस पर आधारित होनी चाहिए, मनोविज्ञान, परंपरा, दर्शन शास्त्र, राय। मनोविज्ञान जब बात करते हैं तो आप बालों की रुचि, उसकी आवश्यकता, उसकी क्षमताओं को समझ के आप पढ़ाते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड मनोविज्ञान, यानी कि मन का विज्ञान, तो साइकोलॉजी पे आधारित होनी चाहिए। लास्ट 3 सवाल, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का आधारभूत सिद्धांत है, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है, शिक्षा पूर्ण मानव का विकास करे है, शिक्षा हस्तकला केंद्रित हो, शिक्षा उपयोगी नागरिक का निर्माण करे, तो ये भी सही है और ये भी सही है, मुझे लगता है विश्वविद्यालय ने सी को अपना सही आंसर माना है, लेकिन दोनों मुझे सही लगता है, तो इसमें मैं अपनी टिप्पणी कहूँगा दोनों सही है। रसेल के दर्शन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, रसेल के दर्शन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, रसेल के अंदर आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद या तार्किक अणुवाद, लॉजिकल ऑटोनॉमिस, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तार्किक अणुवाद। लास्ट 2 सवाल, 2 सवाल एंड देन विल स्टॉप दिस वीडियो। एक हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों, थोड़ी मेहनत लगती है, मैं बनाता हूँ, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रिपब्लिक किसकी रचना है, सुकरात, प्लूटो, अरस्तु या रूसो की, तो जो रिपब्लिक है दोस्तों वो प्लूटो की रचना है, किसकी रचना है, प्लूटो की रचना है। एंड दिस इज गोना बी द लास्ट सवाल, 100 सवाल यहाँ पे आपके कंप्लीट हो जाएंगे, रिमेनिंग 100 सवाल हम अगले वीडियो में देखेंगे। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, पसंद आई वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, मेहनत को अप्रिशिएट करिएगा, कमेंट में मेरी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा,
आपके लिए बनाते हैं और आपके लिए हम मेहनत करते हैं। PDF चाहिएगा तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे मैसेज करिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए, मैं वहाँ से भेज दूँगा, डेफिनेटली आपको भेज दूँगा। तो लास्ट सवाल, आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिकता को मानती हो, आपके मन को, आपकी आत्मा को, अपने ईश्वर को अंतिम सत्य मानती हो। किसने कहा था? DM दत्ता, महात्मा गांधी, कांट ने कहा था? जी नहीं, रूसो ने कहा था। ये आपके यहाँ पे 100 सवाल यहाँ पे समाप्त होते हैं। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत शुक्रिया चैनल से जुड़े रहने के लिए। नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ तक हो गई दोस्तों आपके 100 सवालों की। अब हम देखेंगे आने वाले 100 सवाल को अगले वीडियो में। सो अगर आपको लेंथी लग रहा है तो आप एक बार कमेंट में बता सकते हैं, मैं फिर 50-50 करके वीडियो बना दूंगा अगर ज़्यादा लेंथी हो गया हो तो, नहीं तो मैं 100 का ही बना दूंगा। मैं इसलिए कोशिश करता हूँ कि आप एक वीडियो में 100 देख लीजिए, अगले में 100-200 सवाल आपके हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा आपका प्रीवियस ईयर कैसा क्वेश्चन बना था। बहुत शुक्रिया, मिलेगा अगले वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।